उत्तर प्रदेश के बरेली में ऐसी घटना को अंजाम दिया गया है जिसे सुनकर आपकी रूह भी कांप जाएगी। बरेली के भोजीपुरा में तंत्र मंत्र अंधविश्वास के चलते नवविवाहित को चाकू से बुरी तरह गोंदा, जुल्म की सारी हदें पार कर महिला की जुबान तक काट डाली। दरअसल मामला बरेली के भोजीपुरा मॉडर्न कॉलोनी का है, जहां एक नवविवाहित को चाकू से गोंदकर गंभीर रूप से घायल कर दिया गया। मामला तंत्र मंत्र का बताया जा रहा है। महिला के ससुर की लंबी आयु के लिए तंत्र मंत्र किया गया। महिला के चेहरे पर चाकू से कई वार किए गए, हाथों में भी चाकू से घायल किया गया। हद तो तब हो गई जब महिला की जुबान भी काट दी गई। यह जुलम उसके पति और उसके ससुराल वालों ने किया। किसी प्रकार महिला अपनी जान बचाकर घर से बाहर भागी और राहगीरों ने सहारा देकर डायल 112 को बुला लिया। फिलहाल महिला एक अस्पताल में भर्ती है। पुलिस ने नामजद आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है और मामले की जांच में जुटी है। ये मामला थाना बागली क्षेत्र का है, जिसमें रेणु वर्मा नाम की एक महिला है। उन्होंने आरोप लगाया था अपनी ननद के ऊपर मोनी की, उनके द्वारा उनके ऊपर चाकू से हमला किया गया है। हमने इसमें तत्काल अभियोग पंजीकृत करते हुए जो उनकी ननद है मोनी और सारिका वर्मा, उनको गिरफ्तार करके जो पंजीकृत मुकदमा है उसमें उनको जेल भेज दिया गया। इसमें आरोप लगाया गया है उनकी तरफ से कि तंत्र मंत्र विद्या का मामला है, पर इस मामले में अभी छानबीन चल रही है। तो सर इनके पति भी क्या इसमें इन्वॉल्वमेंट? नहीं, पति इसमें इन्वॉल्व नहीं है, और अगर इन्वॉल्व होते भी हैं तो हम इसको जांच में लाएंगे सामने, और जैसा जांच में होगा वैसी कार्रवाई की जाएगी। कितने लोगों पर मुकदमा दर्ज हुआ है इसमें फिलहाल? एक ही इनके ऊपर मुकदमा दर्ज हुआ है। ठीक है। हाँ, आईडी तो नहीं आ रही ना? बिल्कुल। क्या मामला था राजीव, बताइए क्या हुआ? ये हमारे क्या कहते हैं बहन का है, बस बहन ने हमें बताया कि जब कबर मिली थी कि किसी में ये भर्ती है, तो उसकी इतनी बुरी हालत थी, सारा मुँह काट डाला था। बोली थी कि नंदे चादर मुँह पर डाल के सारे सौ जितने भी घर से सारे सदस्य थे उन्होंने हाथ पैर पकड़ लिए और चाकू से 14 बार की इसके चेहरे पर बहुत सर गए, और इतनी बुरी बता रही थी कि ये घर से निकल के भागी जान बचा के, तो वहाँ कालीबाड़ी के मंदिर में जाकर छुप गई। यहाँ पर 112 पुलिस वालों ने इसको भर्ती कराया डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में। यहाँ पर इसको जहाँ पता चला कि सुबह में तो इसकी बुरी हालत थी, तो फिर हम वहाँ पर लेके यहाँ प्राइवेट हॉस्पिटल में भर्ती कराया। यहाँ इस उन्होंने आपको बताया कि इसकी जो नंद है जितने भी उन्होंने, और इसके जेब में दोनों मोली और क्या कहते हैं राजू, दोनों ने मिलकर हाथ पैर पकड़े और ये बताया कि जितनी बार आप तेरी जख्म करेंगे सही, तो उतने ही हमारे जो पिताजी की जो है जान बढ़ेगी, आयु बढ़ेगी। अंधविश्वास के शिकार हुए। हाँ, उनके घर में कम से कम 20 साल से तांत्रिक विद्या का काम चलता है। कौन लोग हैं, क्या नाम है इनके? इनका एक का नाम है मोली और राजू और शशि। जो शशि जो उस समय जो दिन वारदात हुई है रात में, तो ये मौजूद थी, और सुबह ही वारदात होने के बाद में 4 बजे रोड में बस से हल्द्वानी के लिए भाग गई, चली गई। ये कौन है इनकी, मतलब जो बड़ी नंद है? ये बड़ी नंद है, और जिसने उन्होंने बात किया है वो छोटी नंद है जिसका नाम मोली है। कितने टाँके आएंगे? 450 टाँके आए, डॉक्टर ने बताया 3 घंटे लगे टाँके लगाने लगा। 450 टाँके।